तुलसी भारत में पवित्र पौधे के रूप में प्रसिद्ध है। यह झाड़ी नुमा पौधा है जिसमें शाखाएं खास तरह की सुगंध वाली होती हैं। वैदिक युग से इस पौधे के औषधि गुणों की बात की जा रही है। इस पौधे की पत्तियां और बीज दोनों ही औषधि गुण रखती हैं, इसीलिए तुलसी के बीज का महत्व इसकी पत्तियों के समान ही होता है। तुलसी के पौधों की पत्तियां विषाणु द्वारा पैदा की जाने वाली कई तरह की वायरल बुखार में उपयोगी होती है। तुलसी की जानकारी और संक्षिप्त परिचय के बारे में अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक तथ्य है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पनप चुकी थी, यानी हरियाली आ चुकी थी। संसार में अनगिनत वनस्पतियां हैं, ऐसे में एक आश्चर्यजनक, रोमांचकारी एवं सेहत के लिए फायदेमंद तुलसी है। बहुत सारे पेड़ पौधे के गुण दोषों की पीढ़ी दर पीढ़ी रिसर्च करके उनके बारे में लिखा गया है और उनके औषधि गुणों को समझाया गया है कि मनुष्य के लिए क्या फायदे होते हैं और कैसी विधियां होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में से सबसे शक्तिशाली वनस्पति में से एक है तुलसी। विभिन्न देशों में वनस्पति की जानकारी से अनेक नामों से संबोधित किया करते हैं, जैसे किंग ऑफ हर्ब्स, रॉयल हर्ब, कल्नेरी हर्ब, होली बेसिल। तुलसी का गुणगान वैदिक काल से लेकर आज तक चला रहा है। भारत में तुलसी की खेती का लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है। विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पादों में तुलसी को बेहिताब या बेहिचक उपयोग करते हैं। तुलसी सचमुच प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमृत है। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें रोगाणुनाशक गुण आसपास में वातावरण में लगातार अपने आप फैलते रहते हैं। इस कारण इसके पास खड़े होने, छूने, रोपने, पानी चढ़ाने से लोगों को प्रभाव से बचाव करता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का गमला रखने की प्रथा और व्यवस्था है। तुलसी की लकड़ी, छाल, पत्तियाँ, फल, फूल, जड़ आदि मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं। हमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए इसकी उपयोगिता एवं वैज्ञानिकता को समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के इसे प्रमाणित कर दिया है कि तुलसी के साथ जो भी धार्मिक क्रियाएं की जाती है वे सभी विज्ञान समस्त हैं, यानी इससे जुड़ी जो भी रस्म रिवाज जितनी धार्मिक है उतनी ही सेहत की दृष्टि से उपयोगी भी है। वैज्ञानिकों ने माना कि तुलसी का तेल क्षय रोग यानी टीबी के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए बहुत ही कारगर है। अनेक परीक्षणों में उपरांत यह निष्कर्ष निकला है कि मलेरिया की सबसे अच्छी दवा तुलसी द्वारा उपचार है। हाथों की सफाई के लेकर तुलसी का रस यानी पत्तियों को चबाकर खाना सबसे अच्छा उपाय माना गया है। इसके रस के द्वारा हाथों में जमे कीटाणु मर जाते हैं। तुलसी अलग अलग प्रकार के स्त्री रोगों में अत्यंत गुणकारी है। खुजली, भारीपन, सीने में दर्द, स्तन पीड़ा में लाभदायक होता है। तुलसी का काढ़ा बनाकर गठिया के रोगी को उसकी भाप दी गई है और उससे आश्चर्यजनक लाभ भी हुआ है। सब्जी व दाल आदि में तेज पत्ते के स्थान पर तुलसी का रस डालकर इसका स्वाद चखने के समय बड़ा ही मजा होता है और इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। आयुर्वेद में तुलसी के इस्तेमाल के लिए कई विधियां बताई गई हैं, जैसे कार्तिक माह में तुलसी के पत्तों का प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए सेवन करने से पूरे साल किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। तुलसी के पत्ते चबाने से दांतों में कीड़े नहीं लगते, दांत मजबूत चमकदार होते हैं तथा उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। तुलसी के रस का उपयोग करने पर, उबटन जैसे मालिश करने पर हड्डियां मजबूत बनती हैं और त्वचा में चमक आती है। बारिश के मौसम में जब सर्दी, जुकाम और बुखार और डेंगू जैसी बीमारियों के संक्रमण फैलते हैं तो इसकी पत्तियों का काढ़ा नियमित रूप से पीना शरीर के लिए संक्रमणों से बचाता है। बुखार अधिक होने की स्थिति में मरीज को तुलसी की पत्तियों को दालचीनी के पाउडर के साथ आधा लीटर पानी में उबालना चाहिए और उसमें गुड़ और थोड़ा दूध मिलाकर मरीज को पिलाना चाहिए। इससे बुखार की तेजी से कम हो जाती है। बुखार के उपचार के लिए 1 ग्राम तुलसी की पत्तियों को थोड़े अदरक के साथ आधा लीटर पानी में इतना उबालना चाहिए कि पानी की मात्रा घटकर आधी रह जाए। तब इस काढ़े को चाय की तरह पीना चाहिए। तुलसी की पत्तियां कफ से होने वाले गले की खराबी को ठीक करने में लाभदायक होती हैं। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर इस पानी को पीने और उसमें गरारे करने से गला ठीक हो जाता है। सिरदर्द होने पर तुलसी का रस और कपूर मिलाकर लगाएं, जल्दी ही सिर से मुक्ति मिलेगी।
खांसी जुकाम के लिए तुलसी का अन्य नुस्खा जो 10 पत्ते तुलसी तथा 4 पत्ते लौंग को लेकर गिलास में पानी में उबालें। जब पानी आधा शेष बचे तब थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर गर्म चाय की तरह पी लें। यह काढ़ा पीकर कुछ समय के लिए वस्त्र ओढ़कर पसीना लें। इस काढ़े को दिन में 2 बार और दिन में 3 बार जरूर आप पिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, साथ ही आपकी बीमारी से निजात मिल जाएगा। तुलसी के रस में काली मिर्च मिलाकर किसी कांच की बोतल में हवा पास होने के लिए ढक्कन में छेद हो अपने सोने वाले कमरे में रखें। मानसिक शांति मिलेगी तथा अन्य बीमारियों से भी बचाव होगा। अगर आप कम नींद यानी कि अनिद्रता से पीड़ित है तो तुलसी के पत्ते और अजवाइन किसी कपड़े में रखकर पोटली बनाकर अपने तकिए के नीचे रख दें। तुलसी का रस या तेल की 1-2 बूंद नाक में सूंघने से मस्तिष्क में तरावट आती है और आपका टेंशन गायब होता है। तुलसी के पत्ते पानी में मिलाने से पानी की अशुद्धि दूर हो जाती है। दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए तुलसी के पत्ते के फायदे हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से मस्तिष्क की तरावट के लिए गर्मी के मौसम में हर रोज 1/2 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी तथा 1 चम्मच शक्कर का जूरा, इन तीनों को मिलाकर सुबह के समय लेने से मस्तिष्क में तरावट आ जाती है। मेमोरी यानी याददाश्त तेज हो जाती है, बाल काले होते हैं और आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। श्यामा तुलसी के पत्तों का 2-2 बूंद रस आंखों में डालने से आंखों का पीलापन, लाली और रतौंधी ठीक हो जाती है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का रस कागज की तरह आंख में लगाने से आंख का इन्फेक्शन, इसमें आंखें चिपचिपी हो जाती हैं और ठीक हो जाता है। तुलसी के रस में पेट के कीड़े, उल्टी, हिचकी, भूख अच्छी लगना, लीवर की कार्य शक्ति बढ़ाना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना, पेट की गैस, दस्त, कोलाइटिस, कमर दर्द, जुकाम, सिर दर्द, बच्चों के रोग, हृदय रोग, सभी बीमारियों में लाभ होता है। 1/2 चम्मच रस या 10 पत्ते तुलसी के रोजाना लें। खांसी तुलसी के 25 पत्ते के लिए बहुत फायदेमंद होती है। काली मिर्च छोटी पीसी हुई और 200 मिलीमीटर पानी में डालकर उबाल लें और 150 मिलीमीटर ही पानी बल जाए तब इसे ठंडा कर छान कर एक बोतल में भर लें। इसकी 3-3 चम्मच रोजाना 3 बार पिए, खांसी ठीक हो जाएगी और पुरानी खांसी जो किसी भी तरह ठीक नहीं होती वह भी ठीक हो जाएगी। तुलसी की पत्तियों में 1 चम्मच रस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं तथा इसे एक्जिमा तथा खाज खुजली के स्थान पर लगाएं, जल्द ही आराम मिलेगा। तुलसी अर्क के फायदे अनेक हैं। इसका अर्थ निकालने के लिए इनकी पत्तियों को गर्म पानी में ड्रग में डालकर वाष्प से आकर्षित करें और अर्क निकालकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से अलग अलग बीमारियों में उपचार के लिए तैयार किया जाता है। यह अर्क ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, पेचिस, कोलाइटिस, स्नायु दर्द, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, कफ, चेहरे की क्रांति में निखार, मुहासे, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मलेरिया, खांसी, दांत, खुजली, गठिया, दमा, मरोड़, आँख का दर्द, पथरी, नक्सीर, फेफड़ों की सूजन, अल्सर, पायरिया, शुगर, मूत्र संबंधी रोग आदि में बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको बदहजमी है तो तुलसी का रस, अदरक का रस, 1-1 चम्मच थोड़ी सी काली मिर्च और 1/2 चम्मच सेंधा नमक लेकर पानी के साथ इसे लें और गैस, बदहजमी दोनों ही दूर हो जाएगी। केंद्रीय सुगंध पौध पर अनुसंधान संस्थान सीमैन लखनऊ में विशेषज्ञों की तुलसी की एक विशेष प्रजाति ओसिमस स्पेक्ट्रम तैयार की गई है। इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है, खासकर शरीर में खून साफ करने में विशेष रूप से सक्षम है। सीमैन के वैज्ञानिकों ने चाय के निकलियम ट्रायल किए और दावा किया है कि यह स्वास्थ्यवर्धक चाय साबित होगी, जिससे ताजगी, स्फूर्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी और यह किसी भी दुष्प्रभाव से रहित होगी। तुलसी की 10 हरी पत्तियां 1 कप पानी में डालकर उबालें और चाहे तो स्वाद के लिए चीनी डाल दें और तुलसी की हरी पत्तियों को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लें। इसे चाय में डालकर पिया जा सकता है। वहीं सोते समय 5 ग्राम तुलसी के बीज गर्म दूध के साथ लेने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। तुलसी के बीज का औषधीय उपयोग आजकल बहुत सारे आधुनिक उत्पादों में भी हो रहा है और हर्बल प्रोडक्ट में तो शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें तुलसी का उपयोग कम या ज़्यादा मात्रा में ना हो। अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देता। इसके अलावा तुलसी के पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से जलन भी कम होती है।
तुलसी का पेस्ट लगाने से केल मुहासे खत्म हो जाते हैं, चेहरा साफ होता है। तुलसी के प्रकार जो हैं तो वो श्यामा तुलसी, राम तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी है। दोस्तों अब आप भी समझ गए होंगे कि आखिर तुलसी जो हमारे घर में पाया जाता है ये पौधे के कितने इस्तेमाल हैं और कितने सारे फायदे हैं। तो आप भी तुलसी का सेवन करें, तुलसी के पत्तों को खाएं, साथ ही आप घर में तुलसी जरूर लगाएं। तो मैं था आपके साथ अभिषेक, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।